हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, हम लोग कई दिनों से जो व्लॉग्स है वो सारे आउटडोर के शूट कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना पहले की तरह हम आज का व्लॉग घर से शूट करेंगे। सो गाइस, एक तो आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन, सब घर में है, बहुत मजा आने वाला है। सो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है हमारा घर से है, तो फिलहाल अभी सब सो सो के उठे हैं, तो चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइस, किचन में आए चाय बना रहे, देखा किचन गंदा पड़ा है, तो हमने कहा किचन भी साफ कर लिया जाए। सो गाइस, एक कहावत होती है ये, और आपने इंस्टाग्राम पर रील भी देखी होगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू नहीं जानते। तो सीरियसली, एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम जानते हैं। झाड़ू पोछे करना, चौका बर्तन करना, तो ये होता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो ये सिंदूर की कीमत बड़ी महंगी अदा करनी पड़ती है। तो हाँ, हम कहाँ थे? सो गाइस, सीन ऐसा होता है कि बारिश का मौसम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चींटियां जरूर आती है, और हम जैसों के हाथ अक्सर चबा के चली जाती। तो बारिश के मौसम में जरा ध्यान से सफाई करें, क्योंकि कहीं भी रेड वाली चींटियां मिल सकती हैं आपको। सो गाइस, मॉर्निंग टाइम की चाय बना रहे हैं। पहला तो हमने एक जुगाड़ बिठाई है, क्योंकि हमारा चाय का बर्तन जो है वो छोटा है, और मेरा जो गजल है वो बड़ा है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वो जो जाली नहीं आती जिसपे रोटी वगैरह गर्म कुकर वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर चाय चढ़ाई है ताकि गिर ना जाए। और दूसरा, मॉर्निंग चाय है तो थोड़ी बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, मगर हाँ, मेरी जो ये उखली है इसमें, इससे जो हम कूटते हैं वो टूट, पता नहीं कहाँ है, गायब हो गया है, टूट गया है, कुछ पता नहीं। तो हम बेलन से उसको मैश करेंगे। तो हमने उसके लिए ली है इलायची, लौंग, और ज़्यादा मत डालना क्योंकि गर्मी भी है, वरना नक नक सीर फूट जानी है। तो इसलिए हम लेंगे दो इलायची और दो तीन लौंग। ओके, और जिसमें पानी हमने ज्यादा गर्म किया था, तो हम थोड़ा पानी अपनी ग्रीन टी के लिए निकालेंगे। अब इतने में चाय बनाएंगे। ओ गॉड, अब हम इसमें एक मसाला डालेंगे। अच्छी स्मेल आ रही है। देखिए हमने कितना कुछ रेडी कर लिया है, चाय, ग्रीन टी, दूध, तो भाई सैटरडे है, सब कुछ मैनेज तो करना पड़ेगा क्योंकि सबको सब कुछ देना है। तो चलिए हम देते सबको चाय और देखते हैं कौन कैसी पोजीशन में सो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये रहे देव अवस्थी, ये देखिए लवी कैसे सो रही है। लो तो चलिए अपना दूध उठाओ, चलिए जल्दी जल्दी। और तुम्हारा नीचे का कहाँ गया? नीचे का कहाँ गया? ऊपर ही का पहना हुआ है। लवी, ए लवी, अरे तारकासुर उठ जाओ, नहीं कुंभकर्ण, ए कुंभकर्ण उठो, कुंभकर्णी तारकासुर, कुंभकर्णी, ए कुंभकर्णी देवी, अरे कुंभकर्णी तारकासुर कुंभकर्णी, देखो तुम्हें क्या क्या नाम दिए मैं, तारकासुर, कुंभकर्णी देवी, उठो चाय लो, ये लो छोटा वाला कप उठाओ, ये लो चाय। क्या बात है, कहाँ पिट्टू रहा है? यार देव का फ्रेंड मनकीरत आ चुका है, और देव को बड़ा मजा आने लगा होगा ना देव आजकल, है ना? मनकीरत घर पे आ जाता है, तुमको बड़े मजे आ जाते हैं। बार बार दोनों आते, कोई गेम नहीं खेलते, दोनों मिलके थोड़ा सा फिजिकली गेम खेला करो। ये क्या दोनों बैठ गए गेम खेलने? आंखों से दूर करो देव, देखो तुम्हारी आंखों पे इसका असर पड़ेगा। देखो पीछे से, देखो मतलब, अच्छा पीछे से नहीं देखो, तब बातें बहुत करने लगे हो। देखो पीछे से नहीं, पीछे करेंगे तो दिखेगा कहाँ? दिखेगा कहाँ से बताओ, कहाँ से दिखेगा? उन दोनों को तो अपना फोन मिल चुका है, वो अपने काम में लगे, हम फिर शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि घर में बहुत काम है आज। फिलहाल लवी मार्केट से सारा सामान ले आई है। क्या क्या ले आई तुम? तो लवी फिलहाल जो है, लवी कैलकुलेट कर रही है, इसलिए लवी इस तरह किसी से बात नहीं कर सकती बेचारी, एक एक पैसा जोड़ रही, क्या क्या सामान लेके आई, कितने बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा, इतना कैलकुलेट ना करो, कैलकुलेशन हो गई है? कैलकुलेशन नहीं हो पाई बेटा, अभी कहा था मम्मी ने बेटा मैथ पढ़ लो, ड्राइंग मत करो। दीक्षित, अब काम बांट लिया जाए, एक तेरा एक मेरा, कपड़े हम धोएंगे, तुम सर्फ बहुत वेस्ट करती हो। नहीं, हम कपड़े धो लेंगे, हम कपड़े धुलेंगे, तुम सर्फ बहुत वेस्ट करती हो।
झाड़ू पोछा हम कर लेंगे, लेकिन तुम हम कपड़े नहीं धोगी। तुम कपड़ों में तुम सब बहुत वेस्ट करती, हम तुम्हारे भी धुल देंगे, तुम चिंता क्यों करती। हम धुल देंगे, नहीं पोछा तो हम लगाएंगे। आजकल हम जमीन से हाथ से पोछा लगाएंगे ताकि मेरा वेट कम हो जाए। तुम डस्टिंग करो, डस्टिंग मेरा मुंह कितना गंदा लग रहा है। सुनो तो बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, लवी सुनो तो मेरी बात, बात सुनो, बात तो सुनो। तुम लोग क्या काम करोगे, तुम्हारे हिस्से में क्या काम डाला जाए? दोस्ती, ए दोस्ती, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? इसके बाल कितने हेल्दी है ना, कितने सुंदर है बेटू, बाल कितने सुंदर है। देवो हाँ? क्या फिर तुम्हारे हिस्से में क्या काम बांटा जाए हैं? क्या काम बांटा जाए बताओ, खेलना समझ नहीं आया। आज सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या काम रखा जाए? स्विमिंग पूल। तुम पूल, तुमसे कहा था अपना कॉस्ट्यूम लेके आना स्विमिंग पूल के लिए, नहीं लेके आए। अरे इधर तो देखो कैमरे की तरफ देख लो। हाँ रुक रुक ना देबू, तो तुम स्विमिंग पूल में नहाओगे? शिक्षित अपने काम पे लग चुकी है, सबसे सिंपल और इजी टास्क कपड़े धोना है। और देव धो, अब लवी तुम कपड़े धोगी, हम घर साफ करेंगे और देव पता क्या करेंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे। अले मेली राम प्याली, सुनो बेचारी, इधर से उधर, उधर से इधर, इसका पिंजरा भी साफ करने के लिए बड़ा गंदा हो गया। सो गाइस हम फिर से आ चुके हैं किचन में और फिलहाल हमें धोने इतने सारे बर्तन, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्या कर रहे हो, ये कौन सा गेम है? हमारे तो ऐसे खेलते थे चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। मम्मा मैं कुछ चुप गया। अच्छा कोई बात, चलो अच्छा रहने दो। ये मनकीरत जीत गया, ए गिरा देगी, कपट से हेड शॉट हो गया, कान लगी, दिखाओ इसको, बहुत कसके लग गई। कह रहे पलट ही जा रहे हो, पलटे जा रहे हो, पट से हेड शॉट हुआ, बहुत कसके लगा, सीधा हो जाता, बहुत दर्द हो रहा है। देखे भाई मैं से ऐसे नहीं हो पाता, तू उल्टा होता ना, तू बहुत, कोई बात नहीं, हो जाता, गलती से हो जाता, कोई बात नहीं बेबी, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, देखे देख, यहाँ नहीं लगा बेटू, ये लगा ना, थोड़ा आओ आइस पैक लेके है बेटा, बहुत हो रही है, अरे दिखा तो दो बेटा, ये यहाँ लगा, यहाँ पे ये इसके चोट यहाँ पे आई, चोट लगी बहुत कसके। मम्मी प्लीज टच नहीं करे बेटा, आइस से सिकाई कर रहे हैं तो ना सूजन खत्म हो जाएगी। एंटी इसको ऐसे करने को मत करा कर मेरे। कोई बात नहीं, हो जाता, कोई बात नहीं देव, कोई बात नहीं, बर्फ का मजा भी आ रहा है, बर्फ का मजा आ रहा है। उसी की शैतानी देने लगे अब तुम हैं, देखो उसी से शैतानी दे रहे हैं, शैतानी दे रहे भैया, बाल गीले हो जाएंगे, सिकाई करने दो हमें दो। सो गाइस फिलहाल नहाना धोना हो चुका है और लवी का कपड़ा अभियान अभी भी चल ही रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस पे जबोंग लिखा हुआ है, jabong.com। एक्चुअली कुछ टाइम पहले जब जबोंग में जॉब करते थे तो वहाँ पे जब वो क्रिकेट खेलने जाते तो वहाँ उन्हें ये ऐसी टी शर्ट मिलती थी। तो पति पत्नी एक ही बॉडी की हों तो ये फायदा होता है कि पत्नी अपने पति की सारी टी शर्ट पहन सकती है जो उसे पसंद आती हैं। सो गाइस मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि मैम थोड़ा ड्रेस अप होके और थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके वीडियोस बनाया करिए। सो गाइस मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी जल्दी हूँ जब मैं अपने पति के कपड़े पहन सकती हूँ, तो सोचो मैं कैसे रहती होंगी। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हम चलते हैं आगे क्योंकि हमारा तो नहाना धोना हो चुका है मगर हमारे बेटे का नहीं हुआ, तो देखिए हम दिखाते हैं हमारा बेटा किस अंदाज में नहाएगा। सो गाइस ये हमारे देव का स्विमिंग पूल, आज देव हमारे स्विमिंग पूल में नहाएंगे क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, पूरा दिन फ्री है, तो चलिए हम स्विमिंग पूल लगाते हैं और हमारे देव को नहाने के लिए बुलाते हैं, वरना नहाएगा नहीं आज। ये लग चुका है, अब हम इसमें भर देंगे पानी ताकि ये जो है वो प्रॉपर स्विमिंग पूल बन जाए, तो चलिए इसमें पानी भरते हैं। तो हम गाइस इस पाइप को यहाँ नल में कनेक्ट करेंगे, उससे ये हम स्विमिंग पूल भरेंगे हमारा। सो गाइस जब ये प्रॉपर लग चुका है हम इसमें पानी भरेंगे और इसमें फिर हम देव हमारे स्विमिंग पूल में नहाएंगे। ए ची गंदा पानी मुंह के अंदर मत डालो ची।
फिलहाल हम आ चुके हैं किचन में और अभी हम बना रहे हैं हमारे नूडल्स, तो ये बॉइल हो रहे हैं, सब्जियाँ काट रहे हैं और तब तक बनाते हैं हमारी चाय। सो गाइस फाइनली हमारी जो नूडल्स की सब्जियाँ हैं वो सारी पक चुकी हैं, अब हम डालेंगे नूडल्स और थोड़ा सा हमारे डालेंगे ये मैगी मसाला क्योंकि हमारे यहाँ इसके बिना कोई काम नहीं होता, तो हम बनाएंगे नूडल्स। और गाइस अभी मैंने एक और अच्छी इंस्टाग्राम रील बनाई है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट डालती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बहू मैं इस घर की मुख्यमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर उप मुख्यमंत्री, तुम्हारा पति कैबिनेट मंत्री और तुम्हारी ननद सलाहकार, अब तुम बताओ तुम कौन सा पद संभालोगी? मैं तो विपक्ष में बैठूंगी माँ जी और आपकी सरकार चलने नहीं दूंगी। महीने कम्प्लीट करते पता चला तब तक यही जल गए। तो गाइस चलिए अपने नूडल को स्टेयर कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस फाइनली हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं, अब मैंने प्लेटिंग करते हैं और सबको देते हैं। ओके ये लो दोनों। गाइस बाहर देखिए हवा कितनी तेज और कितनी ठंडी चल रही है, ये देखिए गाइस आज बाहर का माहौल बहुत अच्छा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि कुछ कहने के लिए नहीं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो देखिए एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट आज बहुत साफ है और वो लाइट जो चल रही है ना वो अलग ही जो है लुक दे रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, प्लेन आ गया। बाहर बादल भी बहुत तेज है, रही मेरी पार्टी देव। क्या बात है बेटा, मुझे जाना। क्यों हैं? थोड़ा दूरी से फोन देखो, देखो आंखों के ऊपर कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो गाइस हम आज बना रहे हैं पाउडर वाले रसगुल्ले जो कि हम पहली बार बना रहे हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे, हमने कहा लेकिन आपके साथ शेयर करना तो बनता है, अच्छे बने बेकार बने कैसे भी बने। सो गाइस हमने उसका जो बैटर था वो अच्छे से मार के रख लिया था और चाशनी बना रहे हैं, तो चाशनी में हमने चीनी डाल दी है, इलायची डाल दी, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। इसके में दो तीन स्ट्रिंग्स हैं ये डाल देंगे और इसके बाद अपनी चाशनी को एक तार की चाशनी बना देंगे। कभी बनाए नहीं है, पहली बार है, पता नहीं कैसे बनेंगे, बस मम्मी से पूछ लिया कि कैसे बनते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी अभी चाशनी तैयार हो गई है, पता नहीं ये सब कैसे होगा, बड़ा डर लग रहा है, लेकिन जब तक बनाएंगे नहीं डर नहीं निकालेंगे, सीखेंगे कैसे, तो इसीलिए बनाएंगे तो चाहे खराब बने। सो गाइस फाइनली मेरे रसगुल्ले बन गए हैं, प्लीज मेरी कढ़ाई पे मत जाना, ये देखिए गाइस। सो गाइस अभी ये हो चुके हैं, हम इन्हें निकालेंगे। और इस चाशनी पे मम्मा। हाँ आप क्या बना रही हो? रसगुल्ले जी, वैसे निकालोगे? हमारे रसगुल्लों की एक लॉट बन चुकी है, अब देखना ये है कि खूब अच्छे से फूलते हैं कि नहीं, अगर कट करने पे अंदर गुठली नहीं बनती है और टाइट नहीं होते तो इसका मतलब अच्छे बने, नहीं तो फिर बेकार मेहनत। जल्दी आओ तुम्हें दिखाएं कि मैं क्या बनाया, खोलो इसे। हाँ तो लेकिन ये ब्राउन वाले हैं, मुझे व्हाइट वाले पसंद हैं। ये भी लगे बता, इनको तमीजी नहीं है, गुस्सा होके बैठ गए। अरे तुमको पता है ना ऑर्डर नहीं, हम लोग टेस्ट करते, खा के देखो दोनों लोग। अरे जल्दी बताओ यार,
पास। नहीं, हम झूठा रिव्यू नहीं देंगे। मुझे टेस्ट करना। एक बाइट, एक बाइट दे, एक बाइट, छोटी बाइट, छोटी बाइट। ठीक है, मीठे का मैं कैसे हैं? सच बताओ। थोड़े से क्रिस्पी का मैं बार बार कहते हैं। क्रिस्पी यार, ये उसके रसगुल्ले ऐसे ही होते हैं, उसके क्रिस्पी नहीं होते हैं, ऐसे ही रहते हैं भाभी वाले। वो खोए के थोड़ी हैं, अंदर से पक गए देखो। सो गाइस, फिलहाल रात के बज रहा है 10:30। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबके नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में लगे हुए बेल आइकन का जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बाय।